Welcome. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू गॉड, क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ पे सही सलामत हूँ आप लोग सभी के सामने. एंड थैंक्स टू मीडिया फ्रेटर्निटी एंड थैंक्स टू कॉम्बो आर वेलफेयर सोसाइटी एंड देन थैंक्स टू ऑल द कैपिटल कम्प्लेक्स कॉम्बो आओ कैपिटल कम्प्लेक्स और गालो वेलफेयर सोसाइटी और सेडुपेन जो भी मुझे रिसीव करने आया सभी को थैंक यू सो मच. और स्पेशली ये मीडिया के थ्रू मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ मेरे पाफी फेडरेशन के जो प्रीति मैम है और जो मेरे प्रवीण सर है जो लक्ष्मण सर है. बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे. थैंक यू सो मच. और आपका क्वेश्चन जो था ब्रॉन्ज, ओके ब्रॉन्ज मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा. लास्ट टाइम मैंने 2 ब्रॉन्ज मिला एशियन पे ही एंड दिस टाइम ऑल्सो आई गॉट 2 ब्रॉन्ज. तो मैं बहुत खुश हूँ और नॉट ओनली मी, मुझे लगता है कि आई फील प्राउड कि अरुणाचल के लिए और सारे इंडिया के लिए मैंने 2 ब्रॉन्ज लेके आया एज अ लेडी. अकेला जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट किया इंडिया के अरुणाचल को और इंडिया को रिप्रेजेंट किया. तो आई फील सो प्राउड और सभी को प्राउड भी होना चाहिए. थैंक यू. एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहले मैं एथलीट था एंड देन दिस टाइम एथलीट प्लस रेफरी बन के गई. तो इट वॉज नॉट ईजी. तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था. आई हैव लर्न मैनी मैनी न्यू थिंग्स और इसमें भी मैं अपना सर को थैंक्स देना चाहती हूँ, स्पेशली लक्ष्मण सर, लक्ष्मण सिंह बंधारी. वो जो है पेफी फेडरेशन की जो है वो जनरल सेक्रेटरी है और उन्होंने मुझे वो और वर्ल्ड के जो क्या था रेफरी भी है प्लस एशियन के भी है, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे बहुत पर्सनल ट्रेनिंग करके मुझे वहाँ पे ले गया एशियन पे. और आई गोट क्या था लाइसेंस भी मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा था. थैंक यू. यस आई हैव रिजाइन ऑन इन दिस मंथ, 4th ऑफ दिस मंथ मैंने रिजिग्नेशन दे दिया था अरुणाचल आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को आफ्टर 9 इयर्स. मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ इश्यूज चल रहा था उन लोग का एसोसिएशन के अंदर, फेडरेशन के अंदर कुछ इश्यूज चल रहा था. उसके कारण जो है हम लोग जो प्लेयर्स लोग है इंटरनेशनल नहीं जा पा रहा था और उन लोग ने बोला कि 1 साल वेट करने का कि ये सब शॉर्ट आउट होगा तो आप लोग को भेज देंगे बोल के. लेकिन मैंने पेशेंसली 1 साल वेट किया उन लोगों को, बट देन उन लोगों का सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं आया. तो मैंने काफी रेजिग्नेशन दे दिया था अरुणाचल आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को और पाफी में ज्वाइन किया. पाफी में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि पाफी वाला जो है आर्म रेसलिंग सॉरी वर्ल्ड क्या था वर्ल्ड में एफिलेटेड है और एशियन में एफिलेटेड है और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया जाने के लिए. इसीलिए मैंने अरुणाचल का फेडरेशन को छोड़ के एज अ इंडिपेंडेंट मैंने पाफी में ज्वाइन किया. अरुणाचल से अकेला मैं हूँ अभी तक वहाँ पे खेल के आया. और या वही व्यूअर्स और या और एक बोलने भूल गया, अभी बहुत गुड न्यूज है फॉर अरुणाचल अरुणाचल आर्म रेसलिंग का. तो अभी हम लोग का जो है पैरा ओलंपिक जो है ना ओलंपिक में मतलब पैरा वाला होता है ना पैरा वाला जो डिसेबल वाला, तो वो वाला जो है हम लोग का उसमें ओलंपिक में घुस गया. तो ये बहुत बड़ा बिग न्यूज़ है तो एंटायर अरुणाचल के लिए. हम चाहते हैं कि अरुणाचल से बहुत सारे और लोग जाए और पार्टिसिपेट करें ताकि बहुत सारा मेडल्स ला सके
और या व्यूअर्स लोग को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फॉलो योर पैशन एंड अपना हेल्थ को ध्यान रखिए और या थैंक यू वही है। थैंक यू सो मच।